हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम अर्चना रे, हार्टिस्ट। वेलकम टू सेफ अर्चना चैनल। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ। हम चिक्की खा रही हूँ। चिक्की सबको मालूम है क्या होता है, वो पीनट एंड सीसम सीड से भी बनाया जाता है। और स्टेप पीनट बा सीसम सीड अलग अलग करके जगरी या शुगर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। तो हम आज बताएंगे घर में आप इसको कैसे बनाएंगे। संक्रांति स्पेशल ये स्वीट डिश है। ये देखिए, पीनट्स, सीसम सीड एंड जगरी, ये तीनों को कैसे कंबाइन करके हम बनाएंगे वो बताएंगे। दोनों को रोस्ट करना है। सीसम सीड को ऐसे रोस्ट करना है जो लाइट ब्राउन होना है, और पीनट्स को हम रोस्ट करके रख दिए हैं। सीसम सीड को जैसे नॉनस्टिक पैन में डालते हैं वो खोलना शुरू स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, धीरे धीरे इसको मूव करते रहेंगे, नॉनस्टिक पैन को हिलाते रहेंगे तो अच्छा से फ्राई हो जाएगी, यानी रोस्ट हो जाएगा। तो रोस्ट होने का बाद हम दूसरा बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ज़्यादा रोस्ट होने से इसका जो बेनिफिट्स है, ये सीसम सीड खाने से हम लोग को जो फ़ायदा होता है वो नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट रोस्ट हो गया है, हम दूसरा प्लेट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखिए, लाइट ब्राउन हो गया है। एक चेक करके देखेंगे क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। तो मेरा तीनों इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गया है। पीनट को रोस्ट करके अनपिल करके क्रश करके रखे थे, और सीसम सीड को आप देखे हैं फ्राई कर लिया। अभी ये जगरी है। जगरी का सब तीनों का मेजरमेंट आप देख रहे हैं। आप सिर्फ सीसम सीड से भी बना सकते हैं। अभी नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा वाटर डाले हैं जगरी को मेल्ट करने के लिए। अगर ऐसे ही हम जगरी नॉनस्टिक पैन में डालेंगे तो कैरामलाइज हो जाएगी, ठीक से नहीं बनेगी। थोड़ा सा वाटर, जो ये जगरी मेल्ट होते होते वाटर भी वेपराइज हो जाएगी, और अच्छा से जगरी को मेल्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। देखिए, मेल्ट हो गया है और वाटर भी वेपराइज हो गया है। अभी बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाले हैं इसको टेक्सचर देने के लिए। देखिए कितना अच्छा से फोमिंग हो रहा है और अच्छा से एकदम टेक्सचर आ रहा है। अभी इसमें हम थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी होने से क्रिस्पी काम ईजिली आप ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो ब्रेक नहीं होता है। तो ये सोडा एंड घी, ये दोनों को हम डाल दिया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टेस्ट भी देता है, फ्लेवर अच्छा आता है एंड अच्छे से ब्रेक हो जाता है। नहीं तो इतना टाइट होता है, आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। जो बच्चे लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, वो लोग नहीं खा सकते। देखिए इसको, ये तो कैरामलाइज हो गया। अभी गर्म होते होते इसको ऐड कर रही हूँ। अभी ये पैन को हम सिम में रखे हैं, मैंने गैस को सिम में डाल के ही हम कर रही हूँ। अगर हम बंद कर देते हैं तो नॉनस्टिक पैन में ये जम जाएगी। ऐसे हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे, क्योंकि हमको दूसरा बर्तन में रख के इसको सेट करना है। हमको संक्रांति स्पेशल बड़ा साइज पीनट सीजम जगरी चिक्की बनाना है। आप चाहो तो छोटा छोटा बर्तन में इसको सेट करके छोटा छोटा सेप भी दे सकते हो। हम तीनों बड़ा साइज का बनाए थे, सबका डिमांड था और मेरा फेवरेट था। हम जब खाएंगे तो बहुत अच्छा से खाएंगे। देखिए, सेप देने के सेट करने के लिए हम छोटा सा बॉल भी यूज़ करें, उसका नीचे का जो फ्लैट स्मूथ स्पेस है उसे वो और भी फ्लैट सेप में आ जाता है। देखिए नहीं गिर रहा है। अभी इसको स्पून से करना से थोड़ा सा उठाने का कोशिश कीजिए तो तुरंत उठ जाता है, क्योंकि हम प्लेट में घी ग्रीस कर दिया है। तो देखिए, आप नज़दीक से देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो आप जब इसको ब्रेक करेंगे आसानी से ब्रेक हो जाएगी, और खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। अगर आपको खाने का इच्छा होता है चिक्की, बा फेस्टिवल स्पेशल चिक्की बनाना चाहते हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वन सेकेंड, और मेरा चैनल को लाइक शेयर बहुत ज़्यादा करें, और न्यू अपडेट्स को ज़रूर वॉच करते रहिए। हम एवरीडे पोस्ट करती हूँ, और एवरीडे डिफरेंट टाइप का डिशेस पोस्ट करती हूँ, जो आपका घर में बनाने के लिए आसान होता है, खाने के लिए भी बहुत मज़ा आता है। ये तो बच्चों का, बड़ों का, सबका स्पेशल है। आप देखिए, हम तीन चार बर्तन में इतना बड़ा बड़ा साइज़ का बनाए थे, चपाती जैसा। हम तो एक पूरा खा लिया थे। आप इसको छोटा छोटा पीस करके भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब बाहर घूमने जाइए, बच्चे लोग जब डिमांड करे आप दे सकते हो। हो गया ना मज़ेदार स्वीट स्नैक्स रेसिपी।
बाय बाय, सी यू फ्रेंड, बाय बाय।